अस्सलाम वालेकुम। तो मैं रमज़ान की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो बेसिकली रिमाइंडर है मेरे अपने लिए, आप लोगों के लिए भी, कि रमज़ान जो है वो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इस महीने में जैसे कुरान जो है इस महीने में सारा नाजिल हुआ, इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और वजह से कि इनमें जो जो भी आप अच्छे काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ अदा करते हैं, उसको अगर 70 गुना फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, और कुछ नेक कमाल करते हैं तो उसको फ़र्ज़ की तरह का अजर मिलता है। तो कुरान, ये नहीं कि सिर्फ कुरान इस महीने में नाजिल हुआ, तौरात, ज़बूर, इंजील जो सारे जो हैं वो भी इसी महीने में रमज़ान में नाजिल हुई हैं। तो इस रमज़ान की बड़ी इंपॉर्टेंस है कुरान की पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो। तो इस महीने में तरावी भी होती है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम तरावी ज़रूर पढ़ें जाके, और वो भी एक रमज़ान का पार्ट है। तो इसी तरीके से जितने अच्छे काम हम कर सकते हैं उनमें हम इन्वॉल्व होकर वो कंटिन्यूसली हम करते रहें। सबसे पहले जैसे नमाज है, जैसे पहली वीडियो में मैंने बताया कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ नमाज है। तो नमाज तो हमने हर सूरत में पढ़नी है, कुछ भी हो जाए हमने नमाज कोशिश करनी है कि हमारी कज़ा ना हो, मस्जिद में जाके हमारी नमाज हो जाए। उसके बाद कुरान की तलावत है, वो बहुत ज़रूरी है। और इस रमज़ान को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा रहमत का है, पहले 10 दिन। दूसरा हिस्सा मग़फ़रत का है, दूसरे 10 से 20 दिन मग़फ़रत के हैं। और तीसरा हिस्सा है वो आग से बचने का है, मतलब उससे अल्लाह आग, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आग से हमें बचाए। तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। और चार चीज़ों की हमने जैसे पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आपको बताया था कि हमने कसरत रखनी है। एक कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर दो, हमने इस्तिग़फ़ार करते रहना है, हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना है। नंबर तीन, मैंने आपको बताया था कि जन्नत की हमने दुआ मांगनी और दोज़ख से पनाह की दुआ मांगनी। ये चार चीज़ें जो इस महीने में हमने और बड़ी कसरत से करनी है। और हमने और चीज़ जो डिस्कस की थी कि जैसे इस महीने में अगर आप किसी को अफ्तारी कराएं तो उसकी अफ्तारी का पूरा अजर, आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलता है जिसको भी अफ्तारी कराओ। ज़रूरी नहीं है पेट भर के अफ्तारी कराएं, एक खजूर से, पानी के घूंट से, या इवन लस्सी के घूंट से। तो उस टाइम पे ये चीज़ें थी, अभी आप कुछ भी किसी भी चीज़ से खाना खिला दें तो उसके अफ्तारी करवा दें तो उसका सेम अजर आपको मिल जाता है, और उसकी सवाब में कुछ कमी नहीं आती। तो ये इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त महीना है मुसलमानों के लिए, सवाब का कहते हैं, लूटने का महीना है जितना हो सके। और इस महीने में हम लोगों ने क्या करना है, ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपनानी लेनी है, अपनी प्रैक्टिस में लानी है, और उसको कंटिन्यू रखना है नेक्स्ट रमज़ान तक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से रमज़ान में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लोग हैं एहतियाती बहुत करते हैं, मतलब बेहतियाती में किसी की नमाज रह रही है, किसी की तरावी रह रही है, किसी काम की वजह से, कारोबार की वजह से। तो कारोबार ज़रूरी है, बात नहीं है, बहुत ज़रूरी कारोबार, लेकिन उसके साथ हमने ये चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महीना है रमज़ान का, 30 दिन, उसके बाद आप कुछ भी करते रहें, उसके बाद आप मतलब आराम से अपना कारोबार करें, कुछ भी करें। तो इस तरीके से आज की जो मैं हदीस है मैं आपको पढ़ के वो मैं सुनाने लगा हूँ। नहमदु व नसल्लु अला रसूल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें खसूस तौर पर दी गई हैं जो पहले उम्मत को नहीं मिली। नंबर 1, ये कि इनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंद है। नंबर 2, ये कि इनके लिए दरिया की मछली तक दुआ करती है और अफ्तारी के वक़्त तक करती रहती है। नंबर 2, ये। नंबर 3, जन्नत हर रोज़ इनके लिए रास्ते की जाती है। जन्नत हर रोज़ इनके लिए रास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला जल्ले शानू फरमाते हैं कि करीब है, कुर्ब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया के मश
मशरक अपने ऊपर से मसनफ का एक रिसाला फजाले जिक्र के नाम से शाया हो चुका है, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। नंबर चार, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और रमज़ान में इन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ बे रमज़ान में पहुंच सकते हैं, तो शयातीन जो है शैतान सब बंद हो जाते हैं। नंबर पाँच, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदार के लिए मगफ़रत की जाती है, और ये नंबर चार हुआ। तो साहबा कराम ने अर्ज़ किया कि शब मगफ़रत शब कदर है, फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर के वो काम ख़त्म होने के वक़्त मजदूरी दी जाती है। तो मतलब रमज़ान जो है अल्लाह हमसे काम ले रहा है और उसकी मजदूरी दे रहा है। बताओ यार, अल्लाह के लिए हम काम कर रहे हैं, ये ऐसा कितनी ज़बरदस्त नौकरी है हमारी रमज़ान में कि हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। हम तो पूरे साल अल्लाह के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में हमने सवाब हमारा डबल कर देता है। कहता है नहीं बोनस, हम कंपनी कहती है यार बोनस दे रहे हैं हम आपको, बंदे बॉस के आके पीछे घूमने लग जाते हैं। तो अल्लाह ने रमज़ान हमें बोनस के लिए दिया है, तो ये हमारा बोनस है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको 100% यूटिलाइज़ करें। इन सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व हुए, नमाज हो गई, कुरान हो गया, जिक्र हो गया, इन सब में हम लगे रहें, गलत कामों से बचें, झूठ बोलने से बचें, और इसी तरीके से आँखों की हिफाज़त करें, कान की हिफाज़त करें, ज़बान की हिफाज़त करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रमज़ान में, इन सब चीज़ों को हम अपनाएं और इसी को लेके हम चलें। तो इस तरीके से ये एक हदीस मैंने आपको पढ़ के सुनाई, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये हदीस जो है इसमें इन्होंने पांच चीज़ें जो बताई हैं उसमें, क्योंकि रमज़ान में कभी कभी इंसान के मुंह से भी बदबू आती है, परेशान होता है, तो ये उन्होंने बता दिया कि बदबू जो है बड़ी अहमियत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बदबू रहे हैं, लेकिन आ जाती है नेचुरली, तो उससे कोई मतलब बुरी बात नहीं है, क्योंकि रमज़ान में रोज़ेदार से हो सकता है। तो और चीज़ें उन्होंने फिर पांच चीज़ें और बताई कि इसकी रहमतें हैं, और मछलियाँ तक दुआ करती हैं, जन्नत उसके लिए वो पुकारती है, और आपका जो मगफ़रत जो है आखिरी में वो, तो ये सब चीज़ें हमें रमज़ान की बारे में बताती हैं। तो हमने ज़रूर कोशिश करनी है कि हमने इस रमज़ान में ये सब चीज़ें अपनाएं और अपनों इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दें, कि हम ये नमाज हो गया, कुरान हो गया, कुरान की तलावत हो गई, जिक्र हो गया, तो ये हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दें और इनको रेगुलराइज कर दें, कि हमें प्रॉब्लम ना आए, कि हम लोग लाइफ का रूटीन में आ जाए ये सब चीज़ें। क्योंकि दुनिया के काम भी ज़रूरी हैं, ऐसी बात नहीं है, सबका घर वाले हैं, बीवी बच्चे सब सबको ज़रूरी है, कारोबार भी करना ज़रूरी है, जॉब करना ज़रूरी है, उसके साथ ये चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कर देनी है किसी तरीके से, तो ये हमारी ज़िंदगियों में आते हैं। तो इसके लिए बस आपसे भी दुआ रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ करें, और मैं अल्लाह मियाँ मुझे इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और आप लोग तो माशाल्लाह से फॉलो कर ही रहे होंगे सारे, तो ये बेसिकली मेरे लिए है, मेरे लिए रिमाइंडर है कि मैं इसको समझूं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूं। और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।